खबर जगदलपुर से है, जहां पर बस्तर में लोकल ड्राइवर संघ ने लोहंडी गुड़ा के अनुविभागीय अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चालक संघ ने अनुविभागीय अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तानाशाही रवैया अपनाते एक ट्रक ड्राइवर से गाली गलौज कर जबरन जेल में बंद करने का आरोप लगाया है। ड्राइवर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ड्राइवर को शीघ्र रिहा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर चालक संघ के इस आंदोलन में समर्थन देने भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मीराम कश्यप भी पहुंच गए। ड्राइवर भाई रेती गाड़ी लेके आ रहा था, तो एसडीएम साहब बीच में चेक कर रहे थे, तो चेक करे तो पकड़ा, तो पिट पास नहीं था। फिर बोले कि मोबाइल छीनने का कोशिश करे, तो ड्राइवर भाई बोला कि मोबाइल मैं नहीं दूंगा सर, मेरा है बोला। तो उसी बीच में वो गाड़ी साइड किया, गाड़ी जो करना है ले जाता हूँ सर, कहाँ बोले सुहा बोला। तो एसडीएम सर बोले कि मेरे से बहस कर रहा है, ऐसा है बोल के उसको अंदर कर दिया वाला में। जब ड्राइवर भाई इतने लोग हैं, इनकी जो पीड़ा को सुनने के लिए मैं आया हूँ, और इनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा की जो बात है उस बात को लेकर जो मैं आगे ज्ञापन के रूप में उनको देने के लिए जाऊंगा। आगे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं क्या आप? बस इनकी संगठन है ड्राइवर संघ पूरे बस्तर जिले में। यहाँ जो बस्तर जिले की जो ड्राइवरों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को आंदोलन के रूप में ये लोग सामने लाए।